ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एशिया सुई धागा। चलें जी, आज हम आप लोगों के लिए एक हेड कैप लेकर आए हैं। और अगर आप लोगों ने अपनी अम्मियों का, दादियों का दिल जीतना है तो उनको ये स्टिच करके दे दें, खुश तो वो ज़रूर हो जाएंगी। और वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं जी, टर्की स्टाइल हेड कैप है ये। और वेलवेट का कपड़ा ले लें इसके लिए आप, जो सबसे ज़्यादा बेटर है, कोई सा भी कलर ले लें, आप लोगों की अपनी चॉइस है। और अगर वेलवेट का आप लोग नहीं ले सकते, नहीं है पास कोई ऐसा, फलालैन का कपड़ा ले लें या फिर कोई ऐसा स्ट्रेचेबल कपड़ा ले लें जो ज़रा आसानी से सर पे आ जाए। और कोई भी ऐसा सख्त कपड़ा मत लीजिएगा, यानी कि जो एडजस्ट ना हो सर पे, ठीक है। ये लेंथ में आप लोगों ने लेना है 28 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ रखनी है आपने कपड़े की लंबाई में। और चौड़ाई में आप लोगों ने 8 इंचज़, ठीक है, 8 इंचज़ कपड़ा लेना है आप लोगों ने चौड़ाई में। इस तरह के दो पीस आप लोगों ने ले लेने, सेम एक जैसी 28 इंच लंबाई और जी 8 इंच चौड़ाई लेनी है आप लोगों ने, दो पीस ले लेने। अब ये जो है सेम उस तरह का ही कपड़ा है वेलवेट में, इसको उसके साइज़ का काट लेंगे, ऊपर वाले पीस के साइज़ का। ऊपर वाला पीस रख लें इसके ऊपर जो कटिंग किया है, 28 इंच लंबाई है और 8 इंच जो है वो चौड़ाई है, उसे ऊपर रख लें कपड़े के। और नीचे वाले कपड़े को उसके मुताबिक कटिंग कर लें सारे को। अच्छा, मैं बता दूं साथ साथ के ये ब्लैक कलर में बनाते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम ही हुई है कि जो इसकी स्टिचिंग थी ना वो ज़्यादा नज़र नहीं आई, बट कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी है, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है विजुअल इसका। सो अगर आप लोगों को ये सही समझ नहीं आएगी तो कोई इशू नहीं है, कमेंट सेक्शन में आकर बता दीजिएगा और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि किसी और कपड़े पे भी बनाकर आप लोगों को दिखा दें। ये आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं सही बनेगी, नहीं समझ आएगी तो फिर आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आप लोगों के लिए तैयार करके और आप लोगों को दोबारा से बता दें अच्छे से। चलें, ये आप लोग देख लें कि साथ साथ कटिंग कर लें, वैसे ही जैसे ऊपर वाले पीस को हम लोगों ने 28 इंच लंबाई में और 8 इंच चौड़ाई में काटा है, और नीचे वाले कपड़े को भी सेम उसी तरह काट लें। एग्जैक्ट सेम साइज़ के आप लोगों ने दो पीस ले लेने। ठीक है जी, अब इन्हें सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि इसको ना सेंटर में हाफ पे सिलाई लगानी है, ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है। 12 इंच की आप लोगों ने अभी मेजरमेंट लेनी है यहाँ से, और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, स्टिच कर देना है इसको 12 इंचज़ पे, ठीक है, सिर्फ एक साइड को, जैसे आप लोगों को दिखा रहे हैं ये एग्जैक्ट 12 इंचज़ पे आप लोगों ने इसको 12 इंच की मेजरमेंट करें और इसके बाद इसको यहाँ पर स्टिच कर दें। बाकी को आपने छेड़ना नहीं है, बस इसको स्टिच करके और फिर रेस्ट आप देखिए। निशान लगा लें 12 इंच पे, लग गया और ये स्टिच हो गई, ठीक है, 12 इंच की। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसको फोल्ड करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। पहले वाले पीस को भी फोल्ड कर लिया और इसके बाद दूसरे पीस को भी सेंटर से पकड़ के फोल्ड कर लिया ऐसे। ये वो छोटी सी बेबी ट्राउज़र की तरह लुक आ रही होगी ना, ऐसे ये कर लें, ठीक है। नीचे से ही करना है फोल्ड, ऊपर से नहीं करना आप लोगों ने, ऊपर से ऐसे खुला रहने देना है। और दो मरतबा गिरा लगानी है उसको, मतलब गिरा नहीं लगानी, सिर्फ शेप देनी है गिरा की, ठीक है, सिर्फ शेप देंगे गिरा की, हम लोग गिरा नहीं लगाएंगे ऐसे, जैसे ये आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके बाद आप लोगों ने इसको टर्न करना है, उल्टा करना है, और जो लेफ़्ट वाला है ये आप लोग देख लें अच्छे से, इसे आप लोगों ने इसके साथ इस तरह से दोनों साइड्स को अटैच कर देना है, स्टिच कर देना है ये। अब दूसरी साइड को भी अपना आपने ऐसे ही करना है कि जो टर्न हुआ हुआ पीस है, जो दोनों साइड्स हैं नीचे वाली, उसको ऊपर वाले पीस के साथ अटैच कर दें, सिलाई कर दें, स्टिच कर दें, ठीक है। ये लें जी, अब आप इसे स्टिच कर दीजिएगा दोनों साइड्स को, और ये इस तरह से स्टिच होकर इस तरह की लुक आएगी इसकी। मैं फिर से कह रही हूँ कि ब्लैक कलर में अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और एक और वीडियो आप लोगों के लिए फिर इंशाल्लाह दोबारा से आ जाएगी, फिर कोई अच्छा सा ज़रा कलर चूज़ करेंगे। ये लें जी, दोनों स्टिचेस लग गई, दोनों साइड की स्टिचिंग हो गई, और दाएं साइड पे भी और बाएं साइड पे भी। आप लोगों ने करना ये है कि इसको इकट्ठा करें,
चलें जी इकट्ठा करते हैं कर ले। ये लें जी, ठीक है, इस तरह से इसको ज़रा तय करके। ओके, ये हो गया इकट्ठा। अब आप लोगों ने इसकी करनी है गोलाई में कटिंग, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखें जिस तरह से हम लोग निशान लगा रहे हैं चौक से, इस तरह से निशान लगा लीजिएगा कैप की नीचे वाली साइड्स पे, ठीक है। और इसको यहाँ पे आप स्टिच कर लीजिएगा, कटिंग मत कीजिएगा, कटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा इशू वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन बस आप सीधा सा निशान लगा के यहाँ पे सिलाई लगा लें। जहाँ जहाँ पे निशान है वहाँ वहाँ पे सिलाई लगा लीजिएगा। ये लें जी, आई थिंक सिलाई लग चुकी है, लग चुकी है जी, ठीक है, सिलाई लग चुकी है। तो अब जहाँ पे सिलाई लगी है आपने एक एक इंच का फासला छोड़ के बाकी कपड़े को आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कटिंग कर दें, वो एक्स्ट्रा रहेगा अंदर, ठीक है। इस सारे जो फालतू कपड़ा है बचा हुआ है इसको काट दें। गोलाई में ही आप लोगों ने इस तरह से कटिंग करनी है सिलाई लगाने के लिए बाद। अब आप इसको टर्न कर लें अपनी कैप को, अच्छे से इसे टर्न करके, तो फिर आप लोगों को इसकी फाइनल शेप जो है वो आप लोगों को नज़र आएगी, ठीक है जी। ये इस तरह से आप लोगों को ना इसकी ये साइड लुक था और ये फ्रंट लुक है इसका, ठीक है। ये जो सेंटर में बो टाइप ये आपको नज़र आ रही है ना, ये जो हमने गिरा दी थी ना, ये वो है, ठीक है। और साइड से ये सेंटर से साइड वाली लुक भी आप लोग देख लें, ब्लैक में है तो आई थिंक इशू हो रहा है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, समझ तो आ जाएगी इंशाल्लाह। थंबनेल पे भी आप देख लीजिएगा कि इसकी किस तरह की स्टाइलिंग है, और इसे आप और मज़ीद अच्छा सा इन्हेंस कर सकते हैं इसकी लुक को, इसमें पर्ल लगा लें, ठीक है। और पर्ल नहीं लगाने तो छोटे से थोड़े फ्लावर मिलते हैं बाज़ार से, वो लगा लें, जो आपका दिल है आप वो इस पर डिज़ाइनिंग कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से पर्ल वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो थंबनेल में अभी आप देख चुके हैं कि ज़रा स्टाइलिश से लुक आ रही है। वैसे टर्किश में ना, सॉरी तुर्की में जो ये वो है ना औरतें, वो इसे सर पे ऐसे ओढ़ लेती हैं कि बाल नज़र ही नहीं आते, ठीक है। तो इसे पहन के आप लोग किचन में भी जा सकते हैं, सारा काम आराम से कर सकते हैं, सर्दियों के लिहाज से तो बेस्ट है ये इनर कैप। तो आई होप के जनाब आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस तरह की और भी कोई अगर आपको वीडियोस चाहिए, रिव्यूज़ चाहिए या कुछ भी आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर बता दें, इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर करेंगे कि आप लोगों की जो डिमांड्स हैं या रिक्वेस्ट हैं जो भी हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।